सामने आई हैं। आपको बता दें कि सिरमौर में एनएच 707 पर कमरऊ के करीब आज सुबह भयंकर लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी लाइव तस्वीरें वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से पहाड़ का ये हिस्सा दरक कर नीचे आ रहा है। इस लैंडस्लाइड में एनएच का एक बड़ा हिस्सा बह गया, पूरी की पूरी सड़क ही जमींदोज हो गई। ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। यहां पर मौजूद जो लोग थे उन्होंने अपने कैमरे में, अपने मोबाइल में इस तस्वीर को कैद किया है। ये तस्वीरें बेहद डरावनी है और वाकई दिल दहलाने वाली है, क्योंकि खास करके बारिश के मौसम में पहाड़ी इलाकों में इस तरह की घटनाएं हालांकि आम होती है, लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आती है तो रूह कांप जाती है। क्योंकि अंदाजा लगाइए कि इस समय जब ये घटना घट रही हो, वहां से अगर कोई गुजर रहा हो तो क्या उसकी स्थिति होगी। लेकिन गनीमत यह है कि इस घटना में कम से कम ये जो तस्वीर सामने आई है इसमें किसी के जान माल की या किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन ये तस्वीर वाकई रूह कांपा देने वाली है। पहाड़ का एक हिस्सा दरक कर नीचे आ गया, एनएच पूरी तरह से उसमें बह गया। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, देखिए ये अब आम घटना हो गई है, क्योंकि बरसात के मौसम में पहाड़ दरकना, मलबे का नीचे आना, लैंडस्लाइड होना, बादल फटना, लेकिन किस तरीके से वहां प्रशासन के इंतजाम है इस पर गौर करना बेहद जरूरी है। देखिए ये जो बारिश का मौसम होता है, अक्सर इस मौसम में हिमाचल में इस तरह की जो है पहाड़ी इलाके से तस्वीरें आती रहती हैं, लेकिन अब की बार जिस तरीके से बारिश ज्यादा हुई है तो जाहिर सी बात है मनाली से लेकर सिरमौर या फिर शिमला से लेकर सोलन जितने भी हाईवेज हैं बहुत ज्यादा जो है नुकसान हुआ है। सारे हाईवेज टूटे हुए हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये पांवसा साहिब सिलाई नेशनल हाईवे 707 की है, और यहाँ पर जिस तरीके से ये लैंडस्लाइड हुआ है ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया है। और ये सुबह 8 बजे की तस्वीरें हैं। इसके अलावा सोलन में तकरीबन 200 फीट जो है शिमला कालका हाईवे है जो दिल्ली से शिमला और चंडीगढ़ से शिमला को जोड़ता है, वहां पर 200 फीट चौड़ी दरार आई है। और कल भी जो है इस रास्ते में भारी पेड़ गिर गया था और लैंडस्लाइड की वजह से जिसमें ट्रैफिक तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर लगातार रुका रहा था, लंबी लाइनें लग गई थी। इसके अलावा जो शिमला और कालका का रेलवे ट्रैक है, हिमालयन क्वीन ट्रेन जो कि शिमला से कालका आती है और यहाँ से पूरे नॉर्थ इंडिया को जोड़ती है, उस पर भी ट्रैक पर भी इसी तरीके से लैंडस्लाइड हो गई थी और 2 घंटे ट्रेन रुकी रही थी। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो पूरे हिमाचल के पहाड़ी इलाकों से जगह जगह से आ रही हैं, और हिमाचल सरकार ने, प्रशासन ने पूरे राज्य में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी हुई है, एनडीआरएफ की टीमों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा स्पेशल गाइडलाइंस जो है टूरिस्ट के लिए जारी की गई है और टूरिस्टों को खासकर हिमाचल न आने की सलाह देते हुए भी ये भी कहा गया है जो हिमाचल के भी लोग हैं वो भी नदियों नालों और पहाड़ों से बच कर रहे, खासकर उस जगह पर ना जाए जहां पर लैंडस्लाइड होने की संभावना है और नदियां। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब आपको दिखा देते हैं असम और मिजोरम के बीच सीमाओं को लेकर।